प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजु हब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 का सबसे लास्ट टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। देखो तो इसमें ये एक वैज्ञानिक हुए थे हाइजेनबर्ग के नाम से। तो हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक ने ये कहा, सन 1927 की बात है, सन 1927 के अंदर हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसको हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार इन्होंने ये बताया कि जो कोई कण होता है, किसी भी कण की स्थिति और उसका संवेग हम एक साथ एक समय एक दिशा में ज्ञात नहीं कर सकते। यदि उसकी हम स्थिति ज्ञात करते हैं तो उसके संवेग में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। यदि उसका संवेग ज्ञात करते हैं तो उसकी स्थिति में त्रुटि या अनिश्चितता, एक ही बात है, उत्पन्न हो जाती है। तो कैसे? उन्होंने ये बताया कि यदि हम किसी कण की स्थिति या उसका संवेग ज्ञात करना चाहते हैं तो एक साथ एक दिशा में ज्ञात करना संभव नहीं है। यदि हम संवेग ज्ञात करना चाहते हैं सही रूप से तो उसकी स्थिति में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। फिर ये बताया, जैसे अपने ऐसे मान लें, माना कण की जो स्थिति है, माना उसमें त्रुटि या अनिश्चितता डेल्टा एक्स मान लें, डेल्टा एक्स उसमें त्रुटि मान लो उसकी स्थिति में, और माना उस कण की जो संवेग है, यानी कण की जो स्थिति है, इसमें त्रुटि कहो या अनिश्चितता, भाई देखो एक ही बात है, अनिश्चितता। अगर ये डेल्टा एक्स है, अनिश्चितता त्रुटि स्थिति में डेल्टा एक्स है, और यदि इसी कण का जो संवेग है, संवेग में त्रुटि या अनिश्चितता यदि वो डेल्टा पी एक्स है तो ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कण है, उस कण की स्थिति और उसका संवेग हम एक समय पर एक साथ एक दिशा में ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हम संवेग ज्ञात करेंगे तो उसकी जो स्थिति है उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, या अगर हम उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं तो संवेग में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। हम ये भी कहा कि इन जो दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का वो गुणनफल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जो पी एक्स का जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल ये एच बार अपॉन टू के बराबर या इससे अधिक होता है। यहाँ पे ये एच बार होता है, और अब चूंकि जो एच बार होता है ना, एच बार का मान एच अपॉन जो है टू पाई के बराबर होता है, एच बार का मान, यानी इनका जो गुणनफल है ये एच बार अपॉन टू के बराबर से अधिक होता है, या एच बार का जो मान है वो एच अपॉन टू पाई होता है। तो हम ये मान रखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, और ये हो जाएगा एच अपॉन तो दूनी चार, फोर पाई हो जाएगा मतलब यहाँ पे। तो ये नियम है, ये सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का कि दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, और जो दोनों का जो गुणनफल होता है वो एच बार अपॉन टू के बराबर से अधिक प्राप्त होता है। एच बार का मान एच अपॉन टू पाई होता है, हम इसका मान यहाँ रख देंगे तो ये मान प्राप्त होगा। फिर इसमें आगे ऐसा बताया जाता है, यदि उस कण की ऊर्जा में त्रुटि डेल्टा ई हो, और यदि समय में अनिश्चितता डेल्टा टी हो, अगर ऊर्जा में अगर हमें समय में जो त्रुटि दे रखी है तो हम इस नियम को इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? उस कंडीशन में ये नियम हो जाएगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन फोर पाई हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर हमें ऊर्जा के रूप में दे रखी त्रुटि समय में तो ये हो जाएगा, यदि हमें संवेग और यदि वो स्थिति की बात करता है तो उसमें ये नियम ये हो जाएगा। तो ये नियम था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसने ये बताया था। हम शॉर्ट रूप में ये बात कह सकते हैं, इसकी थ्योरी यही है कि भाई कोई भी जो कण होता है
उस कण की स्थिति और जिसका संवेग है हम उसको एक साथ एक समय पर एक दिशा में ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हम ज्ञात करेंगे तो उनमें त्रुटियां, इसको बोलते हैं अनिश्चितता, उत्पन्न हो जाती है और उनका जो गुणनफल है उनका गुणनफल एच बार अपॉन टू के बराबर है उससे अधिक प्राप्त होता है। एच बार का मान एच अपॉन टू पाई होता है, तो ये उनका नियम था। फिर उसने बताया कि यदि भाई कण की ऊर्जा में और समय में अनिश्चितता डेल्टा ई डेल्टा टी हो तो हम इस नियम को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये नियम था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था और बहुत ही मोस्ट टॉपिक से एग्जाम के तौर पे ये लगभग आता रहता है। थैंक यू।